नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत और स्वागत करता हूँ अपने हेल्प टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो SBI का सेल्स पे चलाते, ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं SBI को। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बहुत सारे SBI को यूजर ऑलरेडी लॉग इन का एरर आ रहा है, इशू आ रहा है और वो लॉग इन नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस जो इशू आया इसका कारण भी जानेंगे और इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले करता हूँ आपसे गुजारिश कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिए और साइड वाले घंटी को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब मैं यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करूंगा इसका एक नोटिफिकेशन, एक मेल आपको आएगा और आप देखोगे और अपडेट रहोगे। जिन्होंने किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दोस्तों यूजर ऑलरेडी के रिलेटेड मैंने एक दो तीन दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें बहुत सारी CSP भाई का प्रॉब्लम था कि इसमें कुछ आपने ठीक ठाक से बताया नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यूजर ऑलरेडी इश्यू के बारे में पूरे बातें हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, कौन सा पार्ट मिस मत कीजिए। ठीक है, तो पूरा देखिए, मैं बताऊंगा आपको, एंड तक देखिए। ठीक है, तो मैंने जो यूजर ऑलरेडी लॉगिन का फिर से मैंने मेरे जो अधिकारी है FI के, जो यूजर RBO के है, जो बैंक का ऑफिसर है, मैं डिस्कस किया क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है क्या नहीं, मैं पूरी पूछताछ पर लगा था। इसके बीच में जो हमारे ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया जो ये मैसेज कि ये इशू क्यों आ रहा है और इसे कैसे सॉल्व करना है, ये मुझे व्हाट्सअप किया। ठीक है, तो मैंने ये बातें मैं सोचा अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करूं। ठीक है, तो पहली बात है दोस्तों, ये क्या एरर आ रहा है, धीमी प्रोसेसिंग, स्लो प्रोसेस हो रहा है सिस्टम अपना, और दूसरी बात लॉग आउट का इशू आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉग आउट का, स्लो प्रोसेस तो है हम देख रहे हैं लेकिन लॉग आउट का बहुत इशू आ रहा है क्योंकि वो लॉग इन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया दोस्तों, FIGS टीम ने बताया, जो बैंक की टीम है उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो CSP है उनकी कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, कनेक्टिविटी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी उसका इशू है, कनेक्टिविटी राउटर से, हॉटस्पॉट जो अपना रहता है मोबाइल का उससे यूज करते हैं, इसके वजह से धीमी प्रोसेसिंग रहती है। ठीक है, इन्हें क्या बताया कि कनेक्टिविटी की गुणवत्ता के गुणवत्ता जो है जो स्लो है। ठीक है, तो अधिकांश CSP मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े हैं, अधिकांश CSP मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े कनेक्ट किए हैं। ठीक है, जिससे उतार चढ़ाव होता है, जो कनेक्टिविटी का है जो उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में क्या हो रहा है, हम पोर्टल को जो भी काम करते वक्त डबल क्लिक करते हैं, सिस्टम को डबल क्लिक करते हैं, इसमें डबल क्लिक करने के बाद सिस्टम लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम लॉग आउट हो जाता है, उसके बाद में हम लॉग इन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद ही डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक मत कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेकिन इस वीडियो में क्लियर आपको बताता हूँ, और सेपरेट में वीडियो यूजर जो ऑलरेडी लॉगिन का इशू इसके रिलेटेड है, आप पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आप डबल क्लिक मत कीजिए, और जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो स्ट्रांग रखिए। ठीक है, और जो भी आपका CC क्लीनर है उसे रन कीजिए सिस्टम को, कुकीज हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए और आप डबल क्लिक मत कीजिए। ठीक है, तो इसके हिसाब इससे आपका सिस्टम लॉग आउट हो जा रहा है डबल क्लिक करने से। सिस्टम को कैसा लग रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि सिस्टम को क्या लग रहा है कि कोई अपने पोर्टल को छेड़छाड़ कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है ऐसा सिस्टम को लग रहा है। ठीक है, सिस्टम को लग रहा है, इसके वजह से सिस्टम क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दे रहा है। उसके बाद में आधा घंटे तक, कहीं कहीं 1 GB घंटा लग रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा करके आधे घंटे में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या करना पड़ेगा, ऐसा इश्यू आया फिर लॉग आउट हो रहा है जा रहा है, तो आप पहले क्या किया, कनेक्टिविटी बराबर रखिए, दूसरी बात डबल क्लिक मत कीजिए, और ऐसा इश्यू हो गया तो हमें सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा। अभी इसके लिए आप पूरे हिस्ट्री कुकीज डिलीट कर दीजिए, उसके बाद में अपने कंप्यूटर को शूट डाउन कीजिए, और आधा घंटे के 15 मिनट आधा घंटे के बाद ही उसे चालू कीजिए, लॉग इन कीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा और लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें कनेक्टिविटी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, दूसरी बात डबल क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मल से सेफ और अच्छी तरह से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो सिस्टम को नहीं लगेगा, छेड़छाड़ हम करेंगे डबल क्लिक करेंगे तो सिस्टम को लगेगा ये छेड़छाड़ कोई सिस्टम से करा, लॉग आउट करके भेज देगा। ठीक है, तो ये था ये लॉग आउट का इशू, और मैंने जो बताया कि ऐसा इशू आया तो आप सिस्टम को डायरेक्ट कुकीज हिस्ट्री डिलीट करके शूट डाउन कर दीजिए, 8 घंटे के बाद सिस्टम चालू कर दीजिए, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बातें आपको बताया दोस्तों, यूजर ऑलरेडी लॉगिन के रिलेटेड जो इश्यू था, मैंने आशा करता हूँ इसमें आपका पूरा सोल्यूशन हुआ होगा और आपको समाधान मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है,
तो ये खबरदार रखिए और अच्छी तरह से सेफ तरह से काम कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में राय बताएं दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों।